वो कहते हैं ना, शेर शिकार करने के लिए पहले 2 कदम पीछे चलता है, तब एक लंबी छलांग मारता है। भारत ने भी कुछ ऐसा ही किया है और इसे देखकर चाइना पूरी तरह से शॉक और परेशान हो चुका है। दरअसल चाइना सोच रहा था कि ये श्रीलंका के एक एयरपोर्ट को भी ऑपरेट करना स्टार्ट कर दे, ताकि इनकी काफी डोमिनेंट पकड़ बन जाए इंडियन ओशन में। लेकिन भारत ने इनसे पहले ही श्रीलंका में ये मैसिव एयरपोर्ट को खरीद लिया फॉर 40 ईयर्स लीज, यानी कि अब साल 2064 तक ये पूरा एयरपोर्ट भारत का ही है। 2000 एकड़ में ये पूरा एयरपोर्ट फैला हुआ है। भारत ने $300 मिलियन पे किए श्रीलंका को और इसकी ओनरशिप लेने के लिए। 2013 में इस मटाला राजपक्षा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को खोला गया था। 2013 में प्लान किया गया था कि मिलियंस ऑफ पैसेंजर आएंगे एनुअली, लेकिन आप जानकर चौंक जाओगे, आज के समय में केवल 12 पैसेंजर ही आते हैं हर दिन। That means ये पूरा प्रोजेक्ट फ्लॉप चला गया और अब ये वर्ल्ड्स मोस्ट एम्प्टीएस्ट एयरपोर्ट की कैटेगरी में आ गया है। और मेरे को अच्छे से पता था, हम्मनटोटा पोर्ट के बाद अब चाइना इस एयरपोर्ट पर अपनी नजर गड़ाए हुए हैं, लेकिन भारत ने पहले ही शिकारी के मुंह से निवाला छीन लिया और ये देखकर चीन भी अब बहुत ज्यादा गुस्से में है। मैं आपको बता दूं कि अब ये जो पूरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये इतना ज्यादा पास है हम्मनटोटा पोर्ट के कि ड्राइव करके ही हम्मनटोटा पोर्ट तक पहुंच जाएगी हमारी इंडियन आर्मी। और वहीं भारत की एयरफोर्स की बात करें, ये तो 10 सेकंड में सीधा हम्मनटोटा पोर्ट में पहुंच सकते हैं इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। और बहुत अच्छा इस बार फैसला लिया है भारत की सरकार ने, क्योंकि हमें जानकारी मिली थी कि चाइना की शिप्स यहां पर मिसाइल सबमरीन्स को ऑपरेट करना स्टार्ट कर दिया इंडियन ओशन में। अगर भारत इनकी टेरिटरी में घुस जाए साउथ चाइना सी में, तो ये बहुत ज्यादा बौखला जाते थे। और अब यही देश इंडिया के ओशन बॉर्डर्स में घुसना स्टार्ट कर रहा है, तब इनको कोई उल्लंघन नहीं लग रहा है, लेकिन भारत भी अब इनको सबक सिखा कर ही रहेगा लग रहा है। खैर, ये जो अब बड़ी डेवलपमेंट हुई है, इसके बारे में आपकी क्या राय है अपनी, लेट अस नो इन कमेंट्स बिलो।